नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिका, गायनेकोलॉजिस्ट इन संकल्प हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे पीसीओडी, जो बहुत कॉमन डिजीज हो गई है यंगस्टर में। मोइनली ये जितने भी पेशेंट आ रहे हैं अबोव 25 ईयर के, हमने देखे हैं जो पीसीओडी से, मतलब उनको पता ही नहीं चलता कि उनको पीसीओडी है, इस चीज़ को सीरियसली लेते ही नहीं है। पीसीओडी क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, और जब इसको टाइमली ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो ये चेंज हो जाता है पीसीओएस में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके मेनली कारण क्या है, कोज क्या है। तो जैसे अभी मेनली बोला गया पीसीओएस को एक है ना, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर मेनली, जो आजकल फीमेल या मेनली फीमेल की, फीमेल में स्ट्रेस या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है। क्योंकि एक तो वो प्रॉपरली मेनली अभी सभी फीमेल है जो स्टडी कर रहे हैं, स्ट्रेस है, या हाउस वाइफ है तो उनको भी ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, तो स्ट्रेस की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से पीरियड्स का इरेगुलर आना मेनली जो इसमें लक्षण होते हैं, पहले तो पीरियड्स डीले होते हैं, 2 से 3 महीने भी हो जाता है। 1 से 1.5 साल वाले पेशेंट का भी ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है कि जिनको कम से कम 1.5 साल से कोई भी पीरियड्स नहीं आए हैं। क्योंकि पहले शुरुआत में जब ऐसा होता है तो फीमेल उस चीज़ को अवेयर होती ही नहीं है, इस चीज़ को कॉमन नहीं, मतलब एज ए बीमारी समझ के नहीं आती डॉक्टर के पास जल्दी से, और ट्रीटमेंट नहीं लेती है, तो फिर ये क्रोनिक होते होते आगे और भी डिजीज करना स्टार्ट कर देता है। पीसीओडी में क्या होता है कि जैसे ओवरी है, अंडाशय है, उसको डिम ग्रंथि कहते हैं, तो हर महीने वहाँ पे अंडा बनता है, फिर वो परिपक्व होता है, रप्चर होता है, उसके बाद ही वो, मतलब जब वो अंडा और स्पर्म, एग और स्पर्म मिलता है तो मेच्योर होने के बाद तो वो कंसीव करती है। तो लेकिन अनमैरिड जो फीमेल है इस चीज़ को उससे पहले सीरियस लेते नहीं है। तो पीसीओडी में क्या होता है, वो अपरिपक्व अंडे इकट्ठा होके ओवरी में फुल हो जाते हैं, और लास्टली जब वो पीसीओएस में होता है तो वो ओवरी नॉर्मली अंडे को ही डिस्चार्ज करना छोड़ देती है, मतलब एग को ही नॉर्मल उनका स्टिमुलेशन बंद हो जाता है, अंडा बनना ही बंद हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कोजेज हो रहे हैं जो लास्टली रिस्क उनको हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंट, ये बीपी भी काफ़ी पेशेंट को मतलब हाइपरटेंसिव हुआ है, तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाद में पेशेंट को रिस्क की तरफ लेके जाती है। हार्ट डिजीज से भी बहुत सारे पेशेंट, मतलब शुरुआत में नहीं होता, शुरुआत में कुछ नहीं होता, शुरुआत में सिर्फ होगा मेनली जो फीमेल हैं उनको एक्नी, जैसे फेस पे पिंपल हो जाना, हिरसुटिज्म, जो चेहरे पे बाल आ जाना छाती में या ये जो नाभि है उसके अराउंड और बैक में, तो नॉर्मली ये गर्ल्स को होता है, उस टाइम पे ध्यान नहीं देते, और जो सिर के बाल होते वो कम होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन शरीर पे एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, और ओबेसिटी, वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं कॉमनली जो पीसीओडी वाले पेशेंट में होना शुरू होता है, उसके बाद जब इनका ध्यान नहीं देता तो रिस्क की तरफ जाता है। तो इसके लिए हम रूट कोज पे काम करते हैं, यहाँ पे नॉर्मली नेचुरल तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आप आइए एक बार मिलिए, तो इस चीज़ का नॉर्मली एलोपैथी में क्या बोल देते हैं कि एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो हार्मोनल प्रोफाइल देके दिया जाता है। लेकिन जब तक पेशेंट लेता है, जितने भी अभी तक मैंने पेशेंट कंसल्ट किए हैं, तो वो जो मेडिसिन ले रहे होते हैं तब तक उनको रिलीफ रहता है, पीरियड्स आते हैं, हार्मोनल टेबलेट, और जैसे ही बंद करते हैं फिर सेम ऐसा इशू रहता है। लेकिन हम इस पे इस टाइप से काम नहीं करते। आयुर्वेदा में मेनली इसका कोज बताया वात और कफ, तो वात जब ज़्यादा बढ़ जाता है या कफ की वजह से, तो उसकी वजह से ये मेनली ये वात व्याधि है, और कफ की वजह से जो ये, और पित्त की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है पीसीओडी में। तो अब हम इन सबको बैलेंस करके और उसके थ्रू ही अंदर रूट कोज पे काम करते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं नेचुरल तरीके से। और मेनली ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो उसके लिए मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, जब भी आप खाना खाते हैं एवरी टाइम खाना खाने के बाद आफ्टर हाफ एन आवर जिंजर वाटर पीजिए, तो उससे क्या होगा कि मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, और जैसे आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होएगा तो अपने आप पीरियड्स आने रेगुलर हो जाएंगे। इसके बाद अगर किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंट है तो उसमें 1 पिंच ऑफ सिनेमन पाउडर भी ऐड करके पी सकते हैं। और भी अगर आपको इसी टाइप की हेल्प चाहिए तो मैं संकल्प हॉस्पिटल में, आप किसी भी दिन आके मेरे से कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। हम लाइफस्टाइल जो आपका डिसऑर्डर उसके लिए नेचुरल डाइट बताते हैं और नेचुरल ही ट्रीटमेंट देते हैं।
कंपेरेटिव हेल्थ केयर की मदद से आप अपने शहर के अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल एवं हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है देख सकते हैं और कंपेयर करके बुक कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित है तो यहाँ अपनी रिपोर्ट्स शेयर कीजिए और डॉक्टर्स द्वारा सही राय जानिए। गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से सारी सुविधाएं देख सकते हैं। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।